काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अब एक साल पूरे होने वाले हैं। भव्य कॉरिडोर को देखने के लिए एक साल में ही इतनी भीड़ उमड़ गई कि श्रद्धालुओं और चढ़ावे का हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। तब से अब तक मात्र एक साल में ही देश के लगभग सारे मंदिरों को ये धाम पीछे छोड़ता जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में अब तक 12 करोड़ से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं और धाम में अब तक 27 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आ चुका है। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी में 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ था। तभी से यहां श्रद्धालुओं का तांता लग गया। इतिहास के अनुसार पहली बार 436 साल पहले 1558 में बनारस के व्यापारी रघुनाथ पंडित टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प किया था। इसके बाद 1777 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे परिसर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य काशी विश्वधाम का लोकार्पण किया और बाबा धाम के लोकार्पण के बाद ही मानो जैसे श्रद्धालुओं की बाढ़ सी आ गई। बाबा के इस अद्भुत धाम को देखने के लिए और शिव दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। कई ऐसे कीर्तिमान बने जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। एक दिन में 7 लाख भक्तों ने बाबा का दर्शन किया तो सावन में ये आंकड़ा 50 लाख पहुंच गया और बाबा के खजाने में भी निरंतर बढ़ोतरी होती रही। बताया जाता है कि धाम के निर्माण में 340 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। काशी विश्वधाम 50,000 वर्ग मीटर में एक बड़े परिसर में बनाया गया है और जब बाबा धाम का एक साल 13 दिसंबर को पूरा होने वाला है, काशी विश्वनाथ धाम के आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़ा बताता है कि काशी विश्वनाथ धाम की तरफ किस तरह भक्त खींचे चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वधाम में अन्य क्षेत्र भी खोला गया है जहां रोजाना हजारों लोग प्रसाद के रूप में निशुल्क भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं यहां आने वाले भक्तों की भाषा भले ही अलग है लेकिन लोगों की भावनाएं एक नजर आती हैं और सभी यहां आकर बेहद प्रसन्न होते हैं और बाबा के इस अद्भुत धाम को बनाने के लिए पीएम का शुक्रिया कर रहे हैं और सभी यहां आकर बेहद प्रसन्न होते हैं और बाबा विश्वनाथ धाम में आकर दर्शन करते हैं। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। इसमें चुनार के गुलाबी पत्थर, मकराना के सफेद मार्बल और वियतनाम के खास पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद श्रद्धालु 50 फीट की सड़क से गंगा किनारे से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में महादेव के प्रिय पौधे रुद्राक्ष, बेल, पारिजात, वट और अशोक लगाए गए हैं। आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।